कातिल। तू बर्थडे पे जा रहा है किसी की शादी पे जा रहा है? हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज 17 जुलाई सुबह के बज रहे हैं 11, और कल है मेरे बेटे का बर्थडे नितेश का। कल ही है मेरा। हाँ, तो पार्टी हम आज से स्टार्ट कर देंगे। हाँ, आज रात से अभी हम जा रहे थोड़ी नॉर्मल शॉपिंग करने। पहले हमसे पहले कुछ खाएंगे क्योंकि आंटी थोड़ी भाई नहीं, पहले खाएंगे फिर सुरभियों पिक करेंगे फिर वापस घर आएंगे फिर जाएंगे शॉपिंग के लिए। कोविड टेस्ट भी करवाना है क्योंकि ट्रिप पे जा रहे हैं। ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ, अभी आपको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बट आपको पता चल जाएगा इनके ब्लॉग में देख के। आपको थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो ना भाई रुक तो जा भाई, धक्के से नितेश इस ऐप में घुसे जा रहा है, वो उसको इग्नोर कर रहा है फिर भी घुसे जा रहा है। बोल रहा मैन से इतना बड़ा करके लिखना आई लव यू भाई, क्योंकि आज इनकी मोहब्बत सफल हो गई है। ये भी सही बात है, भाई भाई का। हाँ, भाई भाई का प्यार। जब भाई मेरे बाल जब तक सेट नहीं तब तक स्टोरी नहीं बनेगी। तो आप फिर तो जिंदगी बनी करोगे तुम? बस अब एक घंटा लेगा मेरा। हमारा खाना आ गया भैया, बहुत टाइम लगा दिया यार आपने। कितने लगाए? मैंने आके देखा आपका ऑर्डर काफी लेट हो रहा है तो मैं खुद ही अपने हाथ से लगा के लाया हूं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। खाली रह गया तो तुम तो खाते नहीं, तुम तो खाते नहीं ऑयली वाली चीज। खाएगा भाई, खा लूंगा भाई। तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे पे नहीं। चल ठीक है, तू वीडियो रिकॉर्ड कर, हम खा के दिखाते खाना कैसे खाते हैं। दो मिनट रुको, तू वीडियो वहां सामने जा, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर, हम खाना खा के दिखाते हैं। मैं खा के बात करता हूं। अभी हम जा रहे हैं सुरभि को लेने, फिर हम जाएंगे कोविड टेस्ट कराने। तुम्हें जा रहे हैं घर छोड़ने, फिर हम जा रहे हैं सुरभि को लेने। अभी खाने के बाद मैं और इससे भाई घर आ गए थे। कुणाल भाई और मोह भाई गए सुरभि को लेने, इसके बाद हम जाएंगे कोविड टेस्ट कराने। कुणाल भाई और मोह भाई 1 बजे गए थे सुरभि को लेने, अभी 3 बज रहे हैं अभी तक नहीं आए। अभी हमें कोविड टेस्ट भी कराना है, शॉपिंग भी जाना है, उसके बाद शाम को हमें वहाँ भी जाना है लोकेशन पे, बर्थडे पे। मैं आपको दिखाऊंगा। इनको गए हुए 4 घंटे हो गए। भाई क्या कर रहे थे जैसे तुम? भाई हम बहुत जरूरी काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा जरूरी। थक गए हम इतना यार, आप उस जान से ज्यादा जरूरी काम कर रहे थे आज। भाई अभी 2-3 काम है यार, कोविड टेस्ट भी कराना है, उसके बाद हमें कपड़े लेने भी जाना है। कपड़े सारी जिंदगी ना सदा हमारी कपड़े लेने में निकल जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। हम लेट हो गए थे तो हमने कोविड टेस्ट वाले भैया को घर ही बुला लिया। थैंक यू भैया आने के लिए। मुंह पूरा बोलना हो, सही से कर। मेरा भी नंबर आएगा, मन करता ना इसकी जवान। अच्छा बोलती तो ज्यादा जवान मिलेगी, गुदगुदी नहीं होती। अब नितेश की बारी है कोविड टेस्ट करने की। सबसे ज्यादा टैन टैप ऐप कर रहा था इतनी देर। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम करवा रहा हूं मैं। जी बाहर भाई आंसू आ गए मेरे, बस इतने में सही। मेरे आंसू आ गए आग में से, यही होता है। अभी हमने कोविड टेस्ट करा लिया है, रिपोर्ट हमें 24 आवर्स बाद मिलेगी। अब हम जाएंगे मार्केट में, वहां पे बार्गेन कर रहे हैं डिस्काउंट के लिए कि भैया कम लगा दो, मेरे भाई की भी लैब है तो देखते हैं कितने रुपए का फर्क पड़ता है, उसको रेट पता है कि कितना क्या रहता है। अब निकल गए मार्केट के लिए। मोक भाई और सुरभि दूसरे कैब में आ रहे हैं क्योंकि एक कैब में 2 पर्सन ही अलाउ है और कुणाल भाई आ नहीं रहे, उनको कुछ काम था। तो इसका रात को बर्थडे है और ये अब शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब हद है यार। कल शॉपिंग करने के बर्थडे के लिए इसने कोई ड्रेस नहीं ली, अभी तक नहीं सोचा क्या डालना है। ये सोच रहा है कुछ मैं ना तड़कता भड़कता डालूं, कोट पैंट टाई। भाई तू बर्थडे पे जा रहा है किसी की शादी पे जा रहा है? भाई मैं सोच कुछ अलग डाल। हाँ ले, लग तो अच्छा रहा है ये अच्छा लग रहा है। हाँ तेरे पे सूट कर रहा है ये, सेम कलर का ट्राउजर है, सेम ब्लैक कलर की शर्ट मुझे तो पता नहीं मैं क्या डालूं। मैं तो एक शर्ट ले आया था कल, वही डालने वाला हूँ। फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें 2 घंटे बाद ये आउटफिट डालनी है और खड़े पैर ना फिटिंग हो पाएगी, इतना कुछ हो पाएगा। इन्होंने इतना लेट कर दिया, बस मैं क्या ले लिया, सीधा चल रहे हैं। ठीक है, तुझे तो कुछ लेना नहीं, वैसे भी लेट हो रहा है। मुझे भी शॉपिंग करनी है बर्थडे की। क्या बर्थडे की शॉपिंग? भाई का बर्थडे है, मेरा ही बर्थडे है। हां मेरा इसका बर्थडे है, तो अब चलते हैं हम, क्योंकि इसने अपना आउटफिट उठा लिया है। बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे, देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा आउटफिट है। ठीक है चलो लेट्स गो। कल हम गए थे DLF मॉल वहाँ आउटफिट लेने, तो इसको जब भी वहाँ कुछ पसंद नहीं आया, फिर ये सोचा कि ना कुछ कोट टाइप लेता हूँ क्योंकि कॉमन आउटफिट तो डेली डालती है। फिर इसने सोचा कि कुछ कोट या कुछ कैजुअल या कुछ अच्छा सा लेते हैं। फिर हम आ जाए कृष्णा नगर मार्केट, यहाँ पे फिर आए पोशाक पे और यहाँ पे इसको फाइनली ड्रेस पसंद आएगी।
इतनी देर बाद अभी हम शॉपिंग करके आ गए हैं, फिर मैंने देखा घर पे खुशी आ चुकी है, वो भी रेडी होके। इतनी जल्दी कैसे रेडी होगी खुशी? मैं शूट से आई डायरेक्टली। प्रीटी लग रही है। थैंक यू। आज बर्थडे पर ऐसा नहीं, मेरा एक्चुअल तारीख सही में क्यूट लग रही है, सही में क्यूट लग रही है। थैंक यू। लेकिन आज इतनी जल्दी कैसे रेडी? समझ गया, मेरा बर्थडे है, बर्थडे था। ओह, हम तो देखे तभी बॉन्ड अच्छा है मेरे वीरे। अभी बट हम जल्दी रेडी होंगे, मैंने सबको टाइम दे रखा था। बर्थडे ऐसे रखे, देखो सबको टाइम दे रखा था 8 बजे का, 7:19 यही हो गए और हमें जाने में भी खुशी 5 o'clock आ जाए। खुशी लेट मत हो ना, 5 o'clock निकल जाएंगे कुल भी। यार मार्केट चलेंगे, हम लेट हो गए ना। हाँ ये बात, हमें कोविड टेस्ट भी करना है। आज बर्थडे है भाई, जल्दी रेडी हो जाओ यार। यार टाइम लगेगा, हमें अच्छे बनेंगे। चाहे तू अच्छा लगे, हमारी तो शक्ल अच्छी लगनी चाहिए। मतलब बेकार है इनकी, मतलब अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है ओके। इन्हें देखो, मैं कह रहा हूँ रेडी हो जाओ, देखो क्या खा रहे हैं। ये देखो भाई, पहले खाना है ये रसमलाई खा रहे हैं इस टाइम। पेट पहले पेट पूजा भाई। यार रेडी हो जाओ यार, इतनी देर में ना कुछ ऑर्डर कर लो, बहुत भूख लग जाएगी। नहीं तो वहाँ जाके लेट मिलेगा वहाँ खाना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे भी खाना था थोड़ा सा। नहीं भाई मेरा बर्थडे यार, बर्थडे तुम मुझे बोलो। मैं कैमरा कह रहा हूँ, रीजन बोला, रीजन हो गया, खत्म हो गया भाई। इतना मिला है मेरे को बस, बताओ यार। ये तो बहुत सारा है भाई। इतना मिला है मुझे। सुरभि कितनी मेहनत कर रही है, गैरेज नहीं है। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। अभी सब रेडी होने गए, मैं भी रेडी हो जाता हूँ, तो मैं आपसे मिलता हूँ रेडी होने के बाद। सब रेडी हो चुके हैं, बट मुझे भी थोड़ा ब्लेजर डालना है। अभी मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको लेके जाऊँगा क्योंकि गर्मी लगेगी अभी डालूंगा तो। कुणाल भाई रेडी हो चुके हैं, मुझे इनको शूज़ डालना है। और इधर खुशी तो रेडी होके आई थी, अभी सुरभि थोड़ा सा मेकअप कर रही है क्योंकि कह रही है मैं सुंदर लगना चाहती हूँ तेरा बर्थडे यार। और मोहक भाई भी रेडी हो चुके हैं। भाई मैं रेडी हो गया, ये रेडी हो गए। और खुशी तो रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा काम कर रही है आज, पता नहीं कैसा काम कर रही है। बारह हाँ ये शूट से आई है। और सुरभि भी काम, सुरभि बस अब जो भी टाइम लगाएगी सुरभि लगाएगी, सब रेडी है। फिलहाल हम पहुंचे लोकेशन पे, हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। हमें रास्ते से सामान भी लेना बहुत सारा क्योंकि हम पहले लेट थे कुछ। पता दिल्ली 8 बजे सब बंद हो जाता है, दिल्ली 8 बजे बंद हो जाता है, गुड़गांव 10 बजे बंद हो जाता है। हम 9 बजे 9:30 बजे निकल रहे हैं, मुझे लगता है हम कुछ ले पाएंगे क्योंकि हर जगह तो मुझे लग रहा है बंद हो जाएगा। अभी हम सुरभि की फेवरेट चिप्स लेने जा रहे थे, सुरभि बोलती है कि नहीं मिलेगा, हमने ढूंढ के दिखाएंगे। मैं कहता पूरा शहर छानना पड़ जाए, ढूंढ के दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत रेयर होते हैं, वो नहीं मिलते। तो भाई मिल तो गए ना, कुछ भी बोली थी अगर मिल गया ना मेरा नाम बदल देना, और मैंने ढूंढ दिए। हाँ तो भाई नामकरण होगा, नामकरण होगा नाम। आप कमेंट करके बताओ इसका कुछ अजीब सा नाम, अजीब सा नाम क्या, कुछ फनी, कुछ फनी। हम खुद सोचेंगे ना, खुद सोचे, हम खुद भी सोचेंगे, आप भी सब सोचो, आप भी सोचो, हम भी सोच रहे हैं। एक मिनट बचा यार, हम कहाँ घूम रहे हो? फाइनली अब सब आ चुके हैं, मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये रही खुशी, हाय। ये रहे कुणाल भाई, और ये रहे नितेश के पापा। हाँ ये ठीक है। ये रही स्मृति, हेलो। ये शुभम ठाकुर, शुभली। और ये रहा वैभव, हेलो, हैंडसम बॉय। ये रही हमारी दीक्षा जो, और ये डेकोरेशन मोक भाई ने मेले करवाई। मोक भाई थैंक यू सो मच, मोक भाई थैंक यू सो मच।
सॉरी फैमिली, मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया अपने बर्थडे का ब्लॉग बिकॉज हम थोड़ा एंजॉय करने लगे। अभी सुबह के बज रहे 6, अभी बाकी सब सो गए हैं, सब थक गए हैं। हम स्विमिंग पूल में इतना नहाए कि गला भी खराब हो गया, पैरों में दर्द भी होने लग गया। तुम्हारा गला कैसे मोह भाई? अभी सब उठ गए, अब हम थोड़ी देर में घर निकलेंगे और अब हम करेंगे अपने गिफ्ट्स को ओपन। मैंने सोचा था सबके साथ करूं बट सब थके हुए, सब सो चुके हैं। ये है सुरभि का, ये है मोहक भाई और कुणाल भाई का। ये पता नहीं कोई दीक्षा या स्मृति वगैरह दे के गई थी, मुझे कंफर्म नहीं है बट जो भी दे गया थैंक यू सो मच। अभी ये मैंने ओपन कर लिया था, मैंने देख लिया था, शूज है इसमें। ऐसे शूज मुझे चाहिए थे बहुत टाइम से, अच्छे लग रहे हैं। प्यारे भाई, अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच सुरभि, प्यारा है तू, प्यारी नहीं है बस गिफ्ट प्यारा है। मेरा शर्ट मुझे कंफर्म नहीं है किसने दिया बट जिसने भी दिया थैंक यू सो मच। और अब ये है सबसे बड़ा गिफ्ट, अब इसको ओपन करेंगे हम। भारी है भाई, क्या हो सकता है इसमें? जैसे भाई क्या हो सकता है तुम्हें पता है भाई? मेरे को क्या पता, मेरे को तो लेके नहीं गए, जब लेने गए थे मुझे देखना है, एक्साइटेड हूं लेने। यार ये पता है क्या है, आपको पता होगा कुछ दिन पहले कुणाल भाई होम थिएटर लाए थे अपने घर के, मतलब यहाँ के लिए। तो मैंने कहा था कि मैं भी सेम ऐसे ही लूंगा दोनों के सामने अपने घर के लिए, दोनों ने यही गिफ्ट करा। थैंक यू सो मच भाई दोनों को, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं लेने के लिए मैं कुछ दिन बाद जाता ही लेने, बट उन्होंने दे दिया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे खुशी ने गिफ्ट किए प्यारे प्यारे कपड़े अपनी तरह, बस शूज का साइज इसका साइज है, ये छोटा है थोड़ा, वो इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये टी शर्ट है और ये बहुत प्यारा है वैसे, मैं आउटफिट डाल के दिखाऊंगा किसी दिन पिक में। और ये ट्राउजर है और ये शर्ट है। थैंक यू खुशी, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया, मुझे वही चीज़ें मिली हैं जो मैं खरीदने वाला था, क्योंकि मैं होम थिएटर ये मैं अपने घर के लिए लेने वाला था, मैंने कुणाल भाई और मोहक भाई के सामने बोला था, तो उन दोनों ने मुझे सही चीज़ दी है। थैंक यू सो मच भाई। और शूज़ मुझे लेने थे कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं और मुझे शूज़ लेने थे, तो मुझे सुरभि ने दिलाए। थैंक यू सो मच किड़ी, सुन लिया गया इसने। और थैंक यू सो मच आप सबका इतनी प्यारी प्यारी विशेज के लिए, सही में इतना प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बिकॉज सब सेलिब्रेशन में लगे थे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी मुझे सोना भी है, मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि मुझे घर भी जाना है मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेशन करने, उसके बाद सुबह सुबह हमारी 7 बजे की फ्लाइट है। ट्रिप का भी हम आपको नहीं बताएंगे, सीधा आपको ब्लॉग में दिखेगा। तो ऐसे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।